दोस्तों, आप सभी का एडवांस किसान चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एप्पल बेर की कटिंग आपको किस तरह से करनी है। ये हमारा एक एप्पल बेर का पौधा है और आज से इसको 2 मंथ्स पहले, लगभग 40-45 दिन पहले लगाए हैं। और इसके अंदर हमने एक काम, जो इम्पोर्टेंट काम था वो करना मैं आपको बताऊँगा, जो मैं भूल गया था। इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा, ये जिस से कटिंग तैयार की गई है उसकी, ये झाड़ी से ये तैयार हो गई है। और ये हमारा जो जो प्रोडक्शन है वो हम इस पौधे से लेना चाहते हैं, ना कि इस देसी बेर की झाड़ी से लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें करने क्या है कि इस पौधे की आपको जो पन्नी लगी हुई है, पन्नी को आपको हटाना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो ये आपको सूट दिख रहा है, इसको आपको काट देना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको काट दिया, क्योंकि हमें इस पौधे की फ्रूट नहीं लेने हैं, हमें सिर्फ जो फ्रूट लेने हैं वो लेने हैं हमारे एप्पल बेर से। और ये जिससे कटिंग तैयार की गई थी उसका पौधा ग्रो कर गया, और इसकी ग्रोथ के कारण ही एप्पल बेर के अंदर ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। अब जो भी पोषण मिलेगा वो इस पौधे को प्राप्त होगा। तो आपको अक्टूबर नवंबर मंथ के अंदर ये काम कर लेना है। छोटे पौधे जिनके भी हैं उन्हें सबसे महत्वपूर्ण जो बात याद रखनी है कि पौधे के आसपास कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। और जो ये इस तरह की कटिंग से, जो मूल कटिंग थी यहाँ से जो ये निकल रहा है, इसे आपको हटा देना है। इसका बेनिफिट इससे यही होगा कि एक तो क्या होगा कि आपके पौधे को पूरा पोषण मिलेगा। तो अभी ये पन्नी है ना, ये इसके अंदर चली जाएगी। अगर इसे हमने समय रहते नहीं हटाया होता तो ये क्या होता, ये इसके अंदर चले जाती, ये इसके अंदर चले जाती। तो इस पन्नी को हमें क्या करना है, हटाना है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।